सभी को नमस्कार। मनोज ACS गवर्नमेंट ऑफ यूपी, प्रॉन जी और वाइस चांसलर साहब और सब मास्टर ट्रेनर्स सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रॉन जी को आभारी हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है, इस ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आई एम थैंकफुल टू हिम। इस समय मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ तीसरी सरकार अभियान को जो शुरू किया है 18-19 में। उस समय से NIRD भाग लिया है तीसरी सरकार अभियान को गाइड करने में, फंडिंग करने में और जॉइंट प्रोग्राम्स करने में उससे, और आगे जाने का एक उदाहरण है ये। जब इलेक्शंस हुआ, नए इलेक्टेड लीडर्स आए हैं, उनको ट्रेनिंग देने का सही समय पे, इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन, सही समय पे ये इनिशिएटिव इज रियली अप्रिशिएबल। आई रियली अप्रिशिएट एंड कंग्रेचुलेट तीसरी सरकार अभियान एंड ऑफ कोर्स IPF, इंडियन पंचायत फाउंडेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिशन समृद्धि सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। हम ये एक्सेप्ट करना होगा कि पूरी जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो हम कहते हैं वो पूरी सरकारी का इंस्टीट्यूशन से हो नहीं पा रहा है। मैं चार 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 5 साल NIRD में देखा है, SIRD के साथ भी काम किया है, बहुत बहुत बार UPSIRD का भी सहाय लिया है बहुत सारा प्रोग्राम्स में। लेकिन जो कैपेसिटी है पूरा पंचायत राज इलेक्टेड लीडरशिप को जो ट्रेनिंग देना है वो कामयाब हो नहीं पाया है। आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेल्यूर इन दिस रिगार्ड। इसलिए वी केप्ट ऑन एंकरेजिंग, हम समर्थन किया था तीसरी सरकार अभियान को। वैसी संस्थाएं जो है बहुत सारे संस्थाओं को आगे आना चाहिए और इस जो गैप है जो जो सरकार जो दे रहा है लेकिन वो काफी नहीं है, जो गैप है वो गैप को फिल कर सके। इसमें जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास्टर ट्रेनर्स का जो ट्रेनिंग करते हैं। अभी इंस्टीट्यूशंस में, SIRDs में जो ट्रेनिंग होता है रूटीन ट्रेनिंग जैसा होने का भी संभव है, लेकिन जो ट्रेनर कितना ये ट्रेनीज को प्रभावित कर सकते हैं, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो मैं बिलीव करता हूं कि ट्रेनर्स का इम्पोर्टेंस, द रोल ऑफ ट्रेनर्स, द क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेनर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद ऑलमोस्ट 60 ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स हु आर गोइंग टू टेक अप दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर तीसरी सरकार अभियान और IPF, इंडियन पंचायत फाउंडेशन का लीडरशिप का छत्र छाया में। एंड जो मास्टर ट्रेनर्स का जो अभाव था वो अभाव पूरे करने के लिए हम शुरू किया था NIRD में, फ्रॉम सोसाइटी ऑल्सो ट्रेनर्स को ग्रूम कर सके, इसलिए मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक NIRD ने लॉन्च किया था। लगभग 4,000 मास्टर ट्रेनर्स अक्रॉस द कंट्री हमने ट्रेनिंग किया है, उनको असेस किया है, उनको सर्टिफाई किया है ABCD कैटेगरी का रूप में, और उनको कंटिन्यूअसली लर्निंग करने का, फिर अभी बी ग्रेड में सी ग्रेड में है उनको अपना स्किल्स अपग्रेड करने के लिए भी एक ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल का भी
रेडी करके लॉन्च किया है। ये मास्टर ट्रेनर्स जो ट्रेन जब जब ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग करते समय अभी मुझे पता नहीं ये फिजिकली फिजिकल ट्रेनिंग होगा या जूम में होगा। जूम का ट्रेनिंग में बहुत सारा लिमिटेशंस है। फिजिकल ट्रेनिंग वर्चुअल ट्रेनिंग कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल जो जो इंटरेक्शन जो आई आई टू आई कांटेक्ट एंड दैट इन्फ्लुएंसिंग जो हो सकता है वो जूम में लिमिटेशंस है, वो नहीं पाएगा पूरा पूरी तरह से। जब ट्रेनिंग में आते हैं हम ये सिंस इट इज द मास्टर्स ट्रेनिंग इट इज अ ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आई आई वांट टू गिव फ्यू हिंट्स फ्यू एडवाइस टू द मास्टर ट्रेनर्स। व्हेन यू आर टेकिंग अप लेट अस से ए सेशन और टू सेशंस दो सेशंस तीन सेशंस जितना भी हो, वो आपका मन में ये होना है कि दैट 1 आवर इज ओनली द टाइम इन विच यू आर गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद द पंचायत लीडरशिप। बाद में पता नहीं है वो फिर आएगा आएगा तो कौन होगा ट्रेनर। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि दैट 1 आवर इज वेरी वेरी क्रिटिकल क्रूशियल टाइम फॉर द मास्टर फॉर द ट्रेनर, ताकि यू कैन इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट द ट्रेनी जो जो पंचायत राज लीडर जो है वार्ड मेंबर्स हो प्रधान हो जो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा, उनको इन्फ्लुएंस करने का जो जो 1 आवर 1 घंटे का समय है वो सही ढंग से इस्तेमाल करने का जो स्किल होना चाहिए वो ट्रेनर्स में, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। और दूसरा चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग यूजुअली हम देते हैं वो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है सरकार का, मनोज भी एसीएस यूपी गवर्नमेंट का भी जिक्र किया है कि प्रोग्राम्स का भी उनको इक्विप करें, लेकिन बहुत ज्यादा लोड देने का जरूरत नहीं है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उनको सोर्सेस दिखा सके बताए सके आप और सीखना चाहते हैं और इस प्रोग्राम्स का बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं इस सोर्स में, शायद वो वर्चुअल ऑनलाइन होगा या नहीं तो एसआईआरडी में होगा नहीं तो एनआईआरडी में होगा। इफ यू कैन क्रिएट दैट इंटरेस्ट इन द पंचायत लीडर टू लर्न मोर एंड मोर बाय विच ही कैन सर्व बेटर हिज पंचायत, दैट विल बी द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ योर ट्रेनिंग। द इंफॉर्मेशन बहुत सारा है इधर उधर बहुत सारा है, वो उसको इंडिकेट करे इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप उधर जाके उस सोर्स में जाके सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और कुछ डाउट्स होगा तो अपना अपना लीडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस 1 घंटा का समय में जो जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है जो पंचायत लीडर्स को ट्रेनिंग करने में कैपेसिटी बिल्डिंग करने में, उसमें आई फील क्योंकि हमारा जैसा आईएएस सर्विस में और दूसरा सर्विसेज में 2 साल का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद भी हर अल्टरनेट ईयर 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंपलसरी करना पड़ता है, लेकिन ये जो प्रधान या वार्ड मेंबर जो जो सीईओ का इक्वल है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पंचायत इक्वल इक्वलेंट है इस इलाके का उस कंपनी का इस उस कॉरपोरेट का पंचायत कॉरपोरेट का, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच ट्रेनिंग ही वुड रिक्वायर, बट अनफॉर्चुनेटली हम दे नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट सो मेनी प्रॉब्लम सो मेनी इश्यूज। बट
इफ वी कैन इग्नाइट देम, इफ वी कैन रियली मोटिवेट देम दैट दे कैन डू सो मच वर्क इन देयर पंचायत फॉर देयर पीपल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. जो अपॉर्चुनिटी मिला है 5 साल का, जो अपॉर्चुनिटी मिला है उन लोगों को, या मेंबर या प्रधान या सरपंच, व्हाटएवर मे बी द रोल, उन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, कितना सर्विस अपना लोगों को कर सकते हैं. और वो दिखाने में हम बहुत सारा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. बहुत सारा हमारा देश में पंचायत, जो सक्सेसफुल पंचायत रहे हैं, सक्सेसफुली प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किया है, सक्सेसफुल प्रोग्रेस दिखाया है, उन लोगों का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. उन लोगों का जो किया है, कैसे किया है, वो एग्जाम्पल जैसा आप लोग बता सकते हैं. ज्यादा सब्जेक्ट में हम उन लोगों को बोर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो इग्नाइट करने में और वो जो 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 मोटिवेट करने में, और क्या पोटेंशियल है उन लोगों का, वो चित्र छाया में कर पाएगा इन इन दैट. जो 5 साल में क्या क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा चीज कर सकते हैं, क्या बिग थिंग्स दे कैन डू इट, दैट यू हैव टू शो देम. I think that will be the critical element in this training program. Generally, हम ये program है, वो program है, ये guidelines वो है, ये guidelines ये है, ठीक है. वो guidelines का sources आप लोग बताइए, इधर इधर आप देख सकते हैं, बहुत सारा information है, sources of information है. और तीसरा critical factor, success factor आप लोगों का, आप लोग सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम वॉलंटरी आया है, एक ट्रेनर है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है. आप लोगों का जो जो इम्पोर्टेंस आई फील आई एम गिविंग, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एंड इट वाज अ मैसिव प्रोग्राम, एंड 4,000 से ज्यादा लोगों को हम सर्टिफाई किया है वो 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 फिल करने के लिए. But if you can play that role of mentor, शायद पूरा पंचायत को आप मेंटर जैसा बन नहीं पाएंगे, उतना समय दे नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम जो ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं 40, 50, 60 जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते हैं, उन लोगों में कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 लोगों को आप मेंटर बन सके. वो लोग आपको अपने आप फोन करके, साहब आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम भाग लिया है, आप ये बताया, लेकिन हमें ये डाउट है, वो डाउट है, सो कुछ हमें मदद करो. वैसा एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, एटलीस्ट मिनिमम 4-5 सरपंचेस, मिनिमम प्रधान 4-5, 4-5 प्रधान लोग से वो 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 कनेक्टिविटी बना सके. इफ यू कैन मेक देम टू कम बैक एंड कॉन्टेक्ट यू फॉर गाइडेंस और हेल्प, दैट मेंटरशिप एलिमेंट, आई थिंक दैट विल बी द इंडिकेशन ऑफ योर सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. अदरवाइज ठीक है, 1 घंटा लिया है, 2 घंटा लिया है, फ्रांस साहब ने बताया है, इसलिए जाके करो, बोल दिया वापस आ गया, ऐसा नहीं है. दे शुड ट्रीट यू एज देयर मेंटर, एटलीस्ट मिनिमम 4-5 सरपंचेस, 4-5 प्रधान इन दैट ग्रुप हु कम इन कॉन्टेक्ट, एंड दैट विल मल्टीप्लाई एंड वो बढ़ते जाएगा. दैट विल बी अनदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. मैं आप लोगों से गिनती करना चाहता हूँ कि ये मन में रखे आप लोग. और जो ऑलरेडी काम हुआ है, हो रहा है, उससे बहुत ही ज्यादा काम करना है पंचायत का सिस्टम में. और ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि 60% एज ग्रुप बिटवीन 20 and 40 इयर्स, जो मनोज साहब ने बताया था कि इस एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में, आई थिंक फॉर उत्तर प्रदेश to show some progress in various factors, either SDG or whatever it may be, I think this is the time.
these youngsters, if we can capture their imagination, we can trigger their, ignite their imagination, I think UP can get into a different, completely different developmental orbit. And we need not har waqt bolna padta hai ki UP last mein se kitna rank mein hai, hum last mein hai, hum improve kar nahi paaye hai, lekin UP ka potential itna potential hai. In fact, the whole Bharat ka development is in the hands of UP. So I think this younger lot, if we can really utilize them, and if panchayats can really do their work, and according to that, if we can provide the organization like Teesri Sarkar Abhiyan and IPF, of course Sarkar ke saath, the large number of other organizations, if we can really handhold them, help them, and I think we can see the progress. Mujhe ye finally kehna hai, ye hai ki apna India ka jo development hum dream kar raha hai, hum jo swapna dekh raha hai, that is only possible through the local governments, only possible through the panchayat system. Baki to jo hota rahega, that is the O&M bolte hai na, jo engineering department mein operations and maintenance, jo road ka khadda aa gaya usko fill kiya hai, lekin road never gets improved, that O&M ka hi rahega. But if substantial change has to happen in the country, it is only through the panchayats, and this is a greatest opportunity. My UP Sarkar ko badhai dena chahta hu ki successful elections conduct kiya hai amidst of COVID. Bahut sara log apna sacrifice diya hai COVID warriors ka roop mein, jo panchayat elections mein participate kiya hai. I think we should remember them, and their effort will be fructified, will be seen as the fruits, if we can bridge this gap and enable these panchayat leaders to perform their job, to perform their duties. Aur isme aur ek mai akhri baat kehna yahi chahta hu ki ye jo power tussle hai sab jagah hai, UP mein bahut hi zyada hai, pradhan aur members, and mai ye samajhta hu ki ye tussle ये इसलिए है कि क्योंकि ये स्कोप बहुत ही लिमिटेड सोच रहा है, जो लोग जो वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, बहुत ही लिमिटेड सोच रहा है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है, वेरी वास्ट. इफ वी कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर वर्क, दैट पावर इज गोइंग टू इंप्रूव, पावर इज गोइंग टू एनलार्ज, एंड दैट कैन बी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी. पावर डजंट मीन सप्रेसिंग अनदर पर्सन, इट इज लाइक एनेबलिंग to help others. That is the power I see in them. So it is not antithesis of doing more work versus power. In fact, jyada kaam karne se power aur bhi badhega. So is element ko dhyan rakhte hue main ye aasha karta hu ki aap logon ka jo training, you please take it very, very seriously. It is not a routine affair. That 1 hour you have to capture, you have to captivate. And wo log jo trainees ka roop mein jo aa raha hai, wo unko lagna hai ye trainer Rakesh ho, Ashutosh ho, jo trainer ho, itna committed hai, waisa lagna hai, waisa dikhna hai, dikhana hai, taki they will go back, and at least small percentage, maybe 10, 15, 20% of the people start working, and then that will become like a big big wave and spread across the UP state. I want to wish you all the best for this initiative, Pranji, our Mission Samruddhi. And I want to wish all the best for all the trainers, and I hope we see the results in the UP government. Thank you. Dhanyawad sabhi ko. Thank you.